आपका मेरे YouTube चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे हेल्थ वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा विषय है सुजोक थेरापी फॉर आइस, यानी कि आइस की रोशनी बढ़ाने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं है और बहुत सारे लोग इनके बारे में जिक्र भी नहीं करते। अगर यह पॉइंट को आप नियमित तरीके से उनकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो यह आपके आँखों की रोशनी इतनी बढ़ा देंगे कि एक से दो महीने में आपके आँखों के नंबर कम हो जाएंगे, आपके चश्मे उतर जाएंगे, आपके स्पेक्टेकल्स गायब हो जाएंगे। यह पॉइंट्स इतने इफेक्टिव हैं। उनके अलावा यह पॉइंट्स आपको आँखों की बहुत सारी बीमारी में भी फायदा करता है, जैसे कि आँखों का आ जाना, आँखों में इन्फेक्शन लग जाना और बहुत सारे आँखों के दर्द में, आँखों में अगर रताश आ रही है, रेडनेस आ रही है, तो उनमें भी यह पॉइंट उतने ही फायदेमंद है जितने कि आँखों के नंबर कम करने में। फिर यह पॉइंट को आप ध्यान से सीखिए और इनको अपने खुद पर अप्लाई करिए और दूसरों को भी यह पॉइंट के बारे में बताइए। तो फिर शुरू करते सुजोक थेरापी फॉर आइस। यह हमारे शरीर का आगे का भाग, यह पीछे का भाग है, यह हमारे हेड का भाग है और यह हमारे छाती का भाग और यह हमारा पेट का भाग है। सुजोक पॉइंट फॉर आइस, आइस के पॉइंट को पहले फाइंड आउट करते हैं। आइस के पॉइंट आपको हेड में मिलेंगे। यहाँ पर पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए जहाँ पर हमारी फिंगरप्रिंट्स की शुरुआत होती है वहाँ पर एक पॉइंट लगाना है, वह नाक का पॉइंट है। उनके ऊपर बाहर की साइड की डिस्टेंस पर, थोड़े डिस्टेंस पर आइस के दो पॉइंट्स मिलते हैं इस तरीके से, यह राइट साइड यह लेफ्ट साइड। अंगूठे के राइट साइड वाला राइट आइस का पॉइंट है और लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट आई का पॉइंट है इस तरीके से। अभी यह दोनों पॉइंट को आपको 2 से 5 मिनट के लिए एक्यूप्रेशर देना है, उनको मसाज करना है इस तरीके से। यह एक्यूप्रेशर टूल से आप मसाज कर सकते हो या तो फिर पेंसिल से भी आप मसाज कर सकते हो। इस तरीके से आँख के दोनों पॉइंट को 2 से 5 मिनट के लिए दबाना है। तो यह हो गए आँख के दो एक्यूप्रेशर पॉइंट, फिंगरप्रिंट की शुरुआत से राइट और लेफ्ट साइड, ऊपर और बाहर की साइड, यह दो राइट और लेफ्ट आँख के पॉइंट। अभी यह दोनों पॉइंट को हम सुजोक सीड थेरापी से ट्रीटमेंट देते हैं। यहाँ पर हम मूंग के दाने यूज़ करने वाले क्योंकि मूंग के दाने साइज में छोटे हुए, तो यहाँ पर आँख का पॉइंट भी छोटा होता है। यहाँ पर हम 1/2 इंच की पेपर टेप लेंगे, उनके ऊपर दो मूंग के दाने चिपकाएंगे दोनों आँखों के लिए, थोड़े डिस्टेंस पर चिपकाएंगे जितने डिस्टेंस पर आँखों के दो पॉइंट हमारे थंब पर है। अभी यह दोनों मूंग के दाने को हम आँख के दोनों पॉइंट पर इस तरीके से अच्छी तरीके से चिपका देंगे ताकि दोनों पॉइंट स्किन के कांटेक्ट में रहे लंबे समय के लिए, इस तरीके से चिपका देना है। उनके ऊपर दूसरी पेपर टेप भी चिपका दिए ताकि वो अच्छी तरीके से चिपका हुआ रह पाए। अभी यह दोनों दाने को आपको दबाते रहना है, हर एक घंटे 2 से 5 मिनट के लिए इनको दबाना है ताकि उनका ज़्यादा फायदा मिल पाए। और यह सिर को आपको 5 से 6 घंटा रखना है, उनके बाद इनको निकाल देना है। यह सिर को वापस यूज़ नहीं करना है, यह बात खास ध्यान में रखनी है। तो यह हो गई सुजोक सीड थेरापी फॉर आइज, फॉर आई पेन और बहुत तरीके की आँख के रोगों में यह एक्यूप्रेशर पॉइंट्स फ़ायदा देती है। आपके आँखों के नंबर को भी यह पॉइंट्स हटा सकते हैं 1 से 2 महीने की प्रैक्टिस में ही। अगर आपको मेरी यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इनको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल पाए। लाइक और कमेंट देके मुझे फीडबैक दीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो नए हेल्थ टिप्स के साथ, तब तक के लिए अलविदा।